अरमान की बात लगी कृतिका के दिल पर और आंखों से बहा आंसू। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम आपको बता दें कि अरमान मलिक बिग बॉस के घर में बैठे बैठे एक मुहावरा कर देते हैं जो कुछ इस तरीके का होता है कि घर का बेदी लंका ढोए। यही बात सुनकर कृतिका रोने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अरमान की शिकायत कहीं और कर रही हैं, उनकी चुगलियां कर रही हैं, जिसकी वजह से कृतिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। जहां रणवीर भी एक मुहावरा कहते हैं, वहीं कृतिका को वो भी लगता है कि शायद ये दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कृतिका बहुत ज़्यादा रोती है। तो वहीं घर के सभी लोग उन्हें शांत कराने आते हैं, जिसके बाद अरमान कृतिका को बताते हैं कि गोलू मेरा बेटा, मैंने तुझे नहीं कहा है, मैं तो बस एक मुहावरा कह रहा था बाकी घर वालों के लिए। वहीं राजीव ने भी तेरे बारे में नहीं कहा है, तू फिक्र मत कर। यही बात सुनकर सुबह ही सुबह कृतिका और अरमान के बीच बहस हो गई होती है। तो वहीं कुछ समय बाद इन दोनों का प्यार हमें फिर से देखने को मिलता है। वेल दोस्तों, कृतिका और अरमान की जोड़ी आपको कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।